आज का जो दिन था पूरी कंपनी में बहुत बेकार था यार, बहुत बोरिंग था। ना तो उसमें कोई काम था, सिर्फ उसमें कंपनी के बारे में बताया, मॉक कॉल्स कैसे करनी है, कैसे कस्टमर को हैंडल करना है, इन सभी चीज़ों के बारे में बताया गया। लेकिन वो चीज़ नहीं बताई गई जो कल मॉक जो टेस्ट होने वाला है उसमें आने वाली है। करीब इस बैच में 15 से 20 लड़के थे, नहीं 20 टोटल 20 थे। 20 को करीब 3 सीनियर आए सिखाने के लिए, तीनों को सिखाया तीनों ने अच्छी तरीके से। लेकिन यार बस वही चीज़ है कि अच्छी तरीके से उन्होंने सिखाया लेकिन बहुत बोर हो गए, क्योंकि एसी में बहुत दिन बाद एक कंटिन्यू टाइम तक बैठे थे। हाँ, माइंड जो है ना एसी में बैठ बैठ करके बहुत ऐसा हो गया था कि ऐसा फील करने लग गया था, बहुत बोर टाइप का दर्द होने लग गया था सिर में। और इसकी वजह से अभी कितना हो रहा है, 6:40 पर छोड़ दिए थे लोग, और अभी 6:40 पर छोड़ने की वजह से ना भाई अभी मैं खाना खाने आया हूँ, क्योंकि सुबह से मैंने खाना नहीं खाया। अभी खाने की बात करें तो इसमें सलाद है, ये आलू गोभी है, और ये है कढ़ी पकौड़े। अभी इनको खा करके मैं सोऊंगा अच्छी तरीके से, एक नींद लूँगा, एक ताला ले जाऊँगा बहन छोर यहाँ से, उस ताले को ठोकूँगा, उस पर एक पानी की बोतल आज लेके जाऊँगा जो कि भर के यहीं से ले जाऊँगा मैं, है ना। और मज़ा आ गया यार, आज नींद आएगी। लेकिन कल की तरह अगर मुझे सर्दी लगी तो मैं गांड फट गया हाथ में आ जाएगी। मैं पहली अभी सो जाऊंगा, नाइट में जगूंगा, बहुत लेट तक सोऊंगा मैं, लेट सोऊंगा मतलब 12-1 बजे के बाद, और कपड़े पहन करके ही सोऊंगा मैं। किसी को पता ही नहीं लगना चाहिए मैंने कपड़े पहन रखे थे कि नहीं पहन रखे थे, क्योंकि मुझे वो रूम है ना कुछ दिन में खाली करना है अगर वहाँ जॉब नहीं लगी तो। कल मॉक टेस्ट पास नहीं किया ना मैंने तो बैंड बच जाएगी, और कल मॉक टेस्ट को पास करने के लिए मेरे पास पानी रहना चाहिए, और पानी के ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। हाँ, पानी इज मोर इम्पोर्टेंट थिंग्स इन ऑल ऑफिस एंड ऑल डे। ओके, तो खाना खाता हूँ, और किसी को भी कैसी भी क्वेरी हो, दिल्ली में आया है, नोएडा में आया है, फर्स्ट टाइम आ रहा है, जॉब नहीं मिल रही, या कुछ भी कैसा भी गाइडेंस चाहिए भाई, एक बार ना 9 से 7 के बीच में तो मत करना, लेकिन इसके बाद में जो भी है कॉल करोगे मैं अटेंड कर लूँगा 100%।